नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। देश में चुनावों में वोटिंग के तरीकों को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है। जोधपुर में हुई कांग्रेस की चिंतन बैठक में कांग्रेस ने सभी चुनावों को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने का संकल्प पारित किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि देश में उनकी सरकार आती है तो सारे चुनावों में ईवीएम को बंद कर दिया जाएगा और वोटिंग बैलेट पेपर से ठप्पा लगाकर ही होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मानना है कि बीजेपी हर चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ करके वोट पा लेती है। कमलनाथ का कहना है कि देश में बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें ईवीएम के दम पर ही जीती है और कांग्रेस की सरकार आने पर इसे बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस के संकल्प पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के पास जब जब जनमत की कमी होती है तब तब वो ईवीएम का बहाना बनाती है। बीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव जनता के दम पर जीते जाते हैं, वोटिंग के तरीके से इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस के पास इन दिनों जनाधार की कमी है। यही वजह है कि वो एक बार फिर ईवीएम को बैन करने की बात कर रही है। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी कांग्रेस की सरकार ही देश में ईवीएम मशीन लेकर आई थी और तब से देश के कई चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब खुद कांग्रेस इसको बंद करने की बात कर रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस ने ये मांग उठाई है। इससे पहले कांग्रेस और विपक्षी दलों की मांग पर केंद्रीय चुनाव आयोग मशीन को हैक करने या छेड़छाड़ करने का खुला चैलेंज दे चुका है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी भी ईवीएम से छेड़छाड़, सॉफ्टवेयर में बदलाव या फिर मशीन को हैक करने की कोई घटना सामने नहीं आई। लेकिन देश में दोबारा छिड़ी ईवीएम की इस बहस से जहां एक ओर कांग्रेस अपना जनमत हासिल करना चाह रही है तो वहीं बीजेपी ईवीएम के फेवर में मजबूती से खड़ी नजर आ रही है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का इस पर क्या है कहना। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करें बैलेट बॉक्स। और किस तरह से ये हैक हो रहे हैं उसके बारे में बातें की है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम जितना मर्जी पिटिशन करेंगे नरेंद्र मोदी को, वो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमारे घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में जब आएंगे तब ईवीएम हटाएंगे, फिर से वापस पेपर बैलेट पे जाएंगे। लेकिन तब तक तो ये पिटिशन करने से कुछ होगा नहीं। अब वो घोषणा पत्र में उसके बारे में क्या उल्लेख होता है देखते हैं। यू शुड लेट द टेक्निकल एक्सपर्ट, नॉट ओनली लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट शुड एग्जामिन द सर्किट एंड गेट कॉन्फिडेंस इन द मशीन। व्हाट इलेक्शन कमीशन इज टेलिंग, वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल। कमलनाथ जी, जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या। चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत योगेश जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो दिव्या जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी कांग्रेस की जो ये चिंतन यहां पर हुआ है राजस्थान में, इसमें ये संकल्प लिया गया है कि अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है वो ईवीएम को पूरी तरह से बैन करा देगी, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। यहां तक कि उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने जितने भी चुनाव जीते हैं, खासकर देश की अगर बात करें तो उसमें जो चुनाव जीता है तो 300 से जो ज्यादा सीटें उनकी आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि ईवीएम में घोटाला हुआ है। क्या आपकी प्रतिक्रिया दिव्या जी? ऋतु जी, नाचते जागते आंगन टेढ़ा, या हम कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, या हम कहते हैं कि कांग्रेस का विलाप अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं होने में आ रहा है। देखिए, जब आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री थे, वो ही लेकर आए थे, और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो आप मानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सारी टेक्नोलॉजी देश के लिए लेकर आए हैं। उसके बावजूद आज आप टेक्नोलॉजी पे शक कर रहे हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है।
अपने ही देश में बनी हुई, अपनी देश से विकसित हुई हुई ईवीएम मशीन जहां पे इतनी कारगर साबित होती हो, वहां आपको इस बात का कष्ट होने लगा है? और किस बात का हड़कंप है और किस बात का भय और डर है, जब आपकी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली आप सब बहुत अच्छी है, जनता के बीच में जाते हैं, आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास विषय हैं, तो फिर आप जनता के बीच में जाइए। देखिए, दूसरी और तीसरी बड़ी बात, क्या हम वो दिन भूल गए जब इनके कार्यकर्ता सुदूर गांव में जाकर एक एक गांव को दबोच लेते थे, अपने चंगुल में ले लेते थे, और बाहर इनके जो सो कॉल्ड गुंडे होते थे वो अंदर जाके अपने बैलेट पेपर पे अपने ठप्पे लगा के और बैलेट पेपर को डाल दिया जाता था? क्या वो दिन भूल गए हैं ये लोग? वो हम तो नहीं भूले, हमने नहीं भूला है वो सब समा, और वो हमने सब बहुत सारे इस बात को लेके, हमारे पास प्रमाण भी हुआ करते थे, बहुत सारी उन बातों को लेके पिक्चरें भी बनी हैं, तो ये सब देखा है हम सब लोगों ने। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ऋतु जी कि देखिए, अब हम इस टेक्नोलॉजी के युद्ध जब युग में आ चुके हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं, देखिए बहुत विषय बहुत गंभीर है लेकिन उसको हल्के पतले में नहीं लेना चाहिए, कि आप 135 करोड़ की जनता के डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जहां पर जब आप चुनाव के लिए जाएंगे तो आप किस हद तक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप तब पर्यावरण हितैषी कहलाएंगे, तब आप किस तरह से पेपर काटेंगे और बनाएंगे और यूज करेंगे, उस बात को लेके क्या आपकी गंभीरता कहीं दर्शाएगी आपकी सोच को, आपके विचार को? तो जब टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो वो किसी चीज के फायदे के लिए विकसित होती है, जब हम पेपरलेस की तरफ जाते चले जा रहे होंगे तब आप बोले कि नहीं हम वापस पेपर, तो हम कौन से युग में जी रहे साहब, और किस युग की चर्चा कर रहे हैं, क्यों वापसी पर आप चर्चा कर रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस है ना अपने काम पर, तो अपने काम पर भरोसा रखिए साहब, बैलेट हो या पेपर हो, जैसा सही कहा है, अपने पर भरोसा रखिए, अपनी लकीर लंबी करिए, हो सकता है, और जब आप जीतते हैं तब आपको ईवीएम पे शक नहीं होता है, केरला में अगर आपकी विजय होती है तब आपको शक नहीं होता है, बंगाल में ममता बनर्जी की विजय हो गई तब ईवीएम पे आपको शक नहीं होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब आपको ईवीएम पे शक होने लगता है, ये कैसी संकीर्ण मानसिकता है? तो ये तो आपकी सोच कहीं ना कहीं दूषित सोच है, इस सोच को बदलना होगा, बैलेट पेपर और ईवीएम विषय नहीं है, विषय ये है कि कांग्रेस कितनी कारगर है, आपका काम कितना कारगर है, आपकी सोच कितनी कारगर है, और आप जमीन पर हैं या नहीं है, इस बात की चिंता करें। चलिए ठीक, योगेश जी, देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं जो कि दिव्या जी के आरोप भी हैं कांग्रेस के ऊपर। देखिए, एक तो पहली बात, टेक्नोलॉजी आप ही लाए हैं देश में, आपको अपनी लाई हुई टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपके लिए ईवीएम सेफ नहीं है तो बैलेट पेपर कैसे सेफ हो जाएगा, जब ईवीएम के लिए आप कह रहे हैं कि भाई उसमें धांधली हो रही है, तो बैलेट पेपर जिसमें धांधली के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि पहले होते थे, अब कैसे वो इतने सुरक्षित हो जाएंगे? तीसरी बात ये कि जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम में कुछ नहीं होता, लेकिन जब बीजेपी जीत जाती है तब ईवीएम में धांधली हो जाती है, जवाब दीजिए योगेश जी। ऋतु जी, काफी सारे सवाल हैं, दिव्या जी के भी, आपके भी, समय अपेक्षित है। मैंने उन्हीं के सवाल लेके आपको बताए हैं, मेरे अलग से नहीं है, यही तीन सवाल उन्होंने उठाए। मेरा तो निवेदन ये है, अरे मेरा निवेदन ये है आपसे कि मुझे भी उतना ही समय दिया जाए। बिल्कुल, आपको पूरा समय मिलेगा, इसलिए आपके पास आई हूं, बोलिए। देखिए, ईवीएम की बात अगर आज माननीय कमलनाथ जी ने कही है तो वो गलत नहीं कही है। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा था और उन्होंने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने आरंभ किए थे 90 के दशक में, और आज 21st सेंचुरी के दशक में काफी बड़ा अंतर आ चुका है, और इस अंतर के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी अंतर आ चुका है। अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराना चाहते हैं तो आपको जो वीपीटी मशीन है वो पूरी संख्या में उपलब्ध होना चाहिए, जबकि आज ऐसा नहीं हो रहा है। ईवीएम से चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उसके पीछे मैं 3-4 कारण आपके समक्ष रखूंगा, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रादेशिक नेतृत्व को जनता की, आम जनता की मूलभूत परेशानियों से, युवाओं की रोजगार की समस्याओं से, महिला उत्पीड़न से, किसानों की समस्याओं से किसी भी प्रकार का सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ईवीएम है। देखिए ना आप, 14 महीने हमारे किसान 14-15 महीने टिहरी बॉर्डर पर बैठे रहे, मोदी जी मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर से मिलने नहीं गए क्योंकि उनको विश्वास था मेरे पास ईवीएम है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें कमर तोड़ महंगाई के बावजूद भी
मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि 2024 में जीतूंगा, क्योंकि मुझे जनता की इन दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है, मेरे पास ईवीएम है। आज युवा हमारा 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी उच्चतम दर है, लेकिन मोदी सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में भी 35 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है, किसी को कोई चिंता नहीं इन युवाओं की, क्योंकि इनके पास ईवीएम है। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। ईवीएम के माध्यम से क्या कारण होता है ऋतु जी कि लखीमपुर हत्याकांड के आरोपी जो जीप से कुचलकर किसानों को मार देते हैं, वहां अब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ जाती है। मंदसौर गोलीकांड शिवराज सरकार में हुआ था, और क्या कारण है कि वहां पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीत के आ जाती है। विंध में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे मूल कारण है जिन पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और अगर आप अपने आप को भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, सबसे बड़ा संगठन विश्व का मानते हैं, और आपको अपने कर्मों पर विश्वास है, जिस प्रकार दिव्या जी ने कांग्रेस पे आक्षेप लगाए, अगर आपको अपने कार्यों की उल्लेखनीय सफलता पर भरोसा है, तो क्यों नहीं जाते आप वीपी बैलेट पेपर के ऊपर, बैलेट बॉक्स के ऊपर? क्योंकि आज देखिए पूरे विश्व में जिन्होंने ईवीएम सबसे पहले बनाई, जापान ने ईवीएम बनाई थी, दिव्या जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं, जापान भी ईवीएम से वोटिंग नहीं कराता, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, कहीं पर भी जितनी डेवलप कंट्री है, कहने का तात्पर्य है कनाडा से लेकर और हमारे आसपास में भी कहीं भी ईवीएम से वोटिंग नहीं होती। तो जब जनता का भरोसा ईवीएम से टूट चुका है, सभी प्रमुख विपक्षी दलों का भरोसा उठ चुका है, और आज टेक्नोलॉजी का देखिए आप क्या दुरुपयोग हो रहा है, पेगासस, जिस पेगासस के माध्यम से आप लोगों की निजी जिंदगियों में झांक रहे हो मोदी जी, तो वहां ईवीएम पे सवाल उठाना वाजिब बात है, गलत नहीं है। जब आप घर बैठे आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपके करोड़ों अरबों रुपए गायब हो जाते हैं, आपको लोग साइबर क्राइम के अंतर्गत चूना लगा जाते हैं ओटीपी के माध्यम से, तो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में ईवीएम सुरक्षित है ही नहीं, किस प्रकार होगी? चुनाव आयोग ने अगर चैलेंज दिया था तो आम आदमी पार्टी ने भी एक डेमो करके दिखाया था विधानसभा के अंतर्गत, और जिसमें उन्होंने ये साबित किया था कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम शुड बी हैक। तो देखिए ईवीएम और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक दूसरे के समांतर विषय है। अगर इसमें वीपीपीटी मशीन पूरे मात्रा में अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप उनकी पूरी वोटिंग नहीं गिनती करा सकते हो, अगर मतदाता को ये मालूम नहीं पड़ रहा कि उसने कहां बटन दबाया और उसका वोट कहां जा रहा है, तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। इस पर बजाय हास प्रयास के गंभीरता से चिंतन मनन होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, और दिव्या जी ने एक और बात कही, गुंडों की पार्टी, आज एग्जैक्टली ईवीएम हैकिंग से ज्यादा ईवीएम की पेटियां बदली जा रही है। अभी हमने चार राज्य के चुनाव में देखा, यूपी, उत्तराखंड में, किस प्रकार चुनाव संपन्न परिणाम आने के बाद भी 100-100 पेटियां बरामद हो रही है। तो ये कहां से हो रही है, ये कहां जाई जाती है, कभी इसकी जांच का कोई निष्कर्ष 8 साल में मोदी जी ने जनता के समक्ष रखा? तो पिछले जितने भी चुनाव हुए उनमें इस प्रकार की कहीं ईवीएम की गड़बड़ी हो जाती है, कहीं ईवीएम खराब कर दी जाती है, 4-4, 5-5 घंटे मतदान प्रभावित होता है उससे, कहीं बिजली चली जाती है क्योंकि बिजली के माध्यम से चलती है। तो देखिए इससे मतदान भी प्रभावित होता है, इससे आम जनमानस भी प्रभावित इसलिए हो रहा है कि वो अपनी पसंद की सरकार अगर चुनने जा रही है और ईवीएम के माध्यम से उसके जनादेश को बदला जा रहा है, तो ये सरासर धोखाधड़ी है, ये लोकतंत्र का अपहरण है। और भारतीय जनता पार्टी कि जब तक सरकार है, ठीक है, आप मन मस्जिद चलाइए जब तक सत्ता में, कांग्रेस पार्टी ने अपने चिंतन मनन शिविर में यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी पक्षों के, देखिए उसमें बुराई क्या है, खाली कांग्रेस को थोड़ी बेनिफिट होना है, बीजेपी को भी उतना ही बेनिफिट होना है अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन कंप्लीट किए जाते हैं, तो क्या बुराई है उसमें? चलिए ठीक है, दिव्या जी से जान लेते हैं। दिव्या जी देखिए बैलेट पेपर से होगा चुनाव तो फिर क्या दिक्कत है, जिस तरह से ईवीएम से हो रहा है इस तरह से बैलेट पेपर से भी हो जाएगा? ऋतु जी कोई दिक्कत नहीं है, योगेश जी मेरे ख्याल स्वयं ही अपनी बातों को थोड़ा पैराडॉक्स में लेकर जा रहे हैं। आपने कहा कि आपको अपने काम पे अगर भरोसा है, आप अपने काम पर अगर इतना आपको कॉन्फिडेंस है, आप काम के बीच में जनता को लेकर जाते हैं, तो फिर चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे बहुत मूलभूत प्रश्न फिर वापस था, और योगेश जी ने आज बड़ा
हमारे पास ईवीएम है, हमारे पास ईवीएम है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आज मेरे पास माँ है, ऐसा वाला कोई दीवार का डायलॉग आज लेकर आए थे वो। खैर एनीवे, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जब कांग्रेस जीतती है या जब आम आदमी पार्टी ने बड़ी हैकिंग का बहुत बड़ा एक वीडियो बना के भेजा था, तो फिर पंजाब के समय वो चुप क्यों हो गए? फिर तब तो मेरे को हमको ये क्लेम करना चाहिए कि पंजाब में उन्होंने हैक करा है सारा का सारा, सारा पंजाब आम आदमी पार्टी लेकर चले जाएगी, इसकी तो कल्पना किसी ने नहीं करी थी। हम सब मांग रहे थे और हम सब सोच रहे थे कि हंग पार्लियामेंट होगा, तो फिर इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने हैक करा है ईवीएम। हमने तो कभी डिमांड नहीं करी कि उन्होंने हैक करी है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है तब उन्होंने कभी नहीं कहा। जब बंगाल में, मैंने आपसे अभी बोला कि जब बंगाल में ममता बनर्जी जीती तब आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया। जब केरला में आपकी सरकार जीती तब आपने प्रश्न नहीं उठाया। जब तमिलनाडु में जीतते हैं तब आप प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन तभी प्रश्न उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में आप तिलमिला जाते हैं कि आपके जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उनमें से अधिकांश यानी सिर्फ 3 लोगों की जमानत जब्त नहीं हुई है, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। आप कल्पना करिए मैम कि इस तरह की यदि कांग्रेस पार्टी अगर हो तो आप सोच सकते हैं कि बैलेट पेपर और ईवीएम इनका दोष नहीं है। दोष इस बात का है कि आप जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रहे साहब। आप इस बात का सहारा ले या न सहारा ले, ये बैसाखियां हैं। आप अपने काम पर विश्वास करिए, काम की लकीर बड़ी करिए, फिर उसके बाद जनता के बीच में जाइएगा। तीसरी बहुत बड़ी बात, आपने बोला टेक्नोलॉजी पे खोट होता है, तो साहब टेक्नोलॉजी पे खोट होना न होना, तो फिर स्टैंप पे भी जब ठप्पे लगाए जाते थे वो दिन भी हमने देखे हैं, तो वो भी तो मैनुअल सारा का सारा होता था। उस मैनुअल सारे दिक्कत को जो हाथों से ठप्पे लगाए जाते थे वो ना हो, उसी के कारण हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ आए थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे सेफ मानी जाती है, इसलिए लेकर आए थे। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जवाब ले लीजिए क्योंकि जी एक सेकेंड मैं फिर से आ रही हूँ। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बात को लेकर कि कम से कम 64 to 65 कैंडिडेट्स एक साथ ईवीएम में आ सकते हैं, 64 to 65 कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा जो आपके बैलेट पेपर में यदि आएंगे, तो एक आदमी के लिए अगर आपको एक बैलेट पेपर लगेगा तो कम से कम 5 शीट लगेगी पेपर की, 5 शीट। आप कल्पना कर सकते हैं कितना नुकसान है ये। लेकिन आपके लिए वो खैर दरकिनार है, आपके लिए वो पर्यावरण आपके लिए बहुत बड़ा विषय है भी नहीं क्योंकि, लेकिन मैं फिर आपसे योगेश जी कह रही हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी पूरी संवेदनशीलता के साथ कह रही हूँ कि विषय वो नहीं है, विषय ये है कि क्या आप अपने विषयों को लेकर जाने में सजग हैं, क्या आप जनता के बीच में जा सकते हैं, क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है। जाइए जरूर जाइए, लेकिन बैसाखियों का सहारा ना लीजिए। चलिए ठीक योगेश जी, बैसाखियों का सहारा ना लें, ये बिल्कुल सवाल बनता भी है कि जहां पर बीजेपी नहीं जीतती क्या वहां पर ईवीएम हैक नहीं होती, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है। नहीं, सवाल तो ये भी बनता है पेगासस के माध्यम से लोगों की निजी जिंदगी। देखिए योगेश जी, पेगासस की बात अभी नहीं हो रही है ना, पेगासस की बात नहीं हो रही है योगेश जी, ईवीएम को लेकर जवाब दीजिए ना। देखिए केरल में जब चुनाव किसी और, एक मिनट रुकिए योगेश जी, केरल में बीजेपी नहीं जीती, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुए थे बीजेपी नहीं जीती थी, बाद में हालांकि सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन इसके अलावा पंजाब में चुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी नहीं जीती, तो इन तमाम जगहों पर जब चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए बीजेपी नहीं जीती, तो क्या वहाँ पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी ना बीजेपी, लेकिन नहीं हुई। जी आ गई आपकी बात, जवाब तो ले लीजिए, आप ही आप बोलेंगी तो मुझसे जवाब नहीं, तो इनका जवाब दीजिए जो मैं अब आप बोल रही हूँ। पहले सबसे मत जाइए योगेश जी, अभी बस ईवीएम को लेकर बात करते हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात मैसेज आप लोग जाने नहीं देते, बीच में बोलते हैं। नहीं योगेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल बोलने देती हूँ, आप बोलिए, आप ही का वक्त है, आप बोलिए। आपका ये जो बिहेवियर है वो प्रूफ कर रहा है आपको कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। नहीं योगेश जी, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर जवाब बोले नहीं बनता तो ये जितने भी नहीं, ये जो तरीका है ना बात करने का कि पत्रकारों से आप बीजेपी की प्रवक्ता हो गई हैं, ये बेकार की बात है। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, ये मत बोलिए कि आप बीजेपी की प्रवक्ता है। मेरा काम दोनों से सवाल पूछने का है और मैं दोनों से बखूबी सवाल पूछ रही हूँ। योगेश जी इस तरह के आरोप मत लगाइए, आप अपना काम कीजिए, जवाब दीजिए जितना पूछा है। समय बर्बाद कर रही हैं आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि पेगासस की बात मत कीजिए, टॉपिक ईवीएम पर है ना योगेश जी। पेगासस या मोदी जी का
नुकसान। मैं इंडिया न्यूज की एंकर हूँ, ना कि बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। आप इंडिया न्यूज के चैनल की डिबेट पर बैठे हैं योगेश जी, के माध्यम से इनको लोगों की निजी जिंदगी में झांकने का। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए योगेश जी, जो मैंने अभी आपसे पूछा कि जहाँ पर बीजेपी हारी वहाँ ईवीएम में क्या दिक्कत थी। मैं बता रहा हूँ, आप सुने तो सही। आम आदमी पार्टी जहाँ पंजाब में सरकार बनी, बीजेपी की बी टीम है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। इन सब लोगों ने मिलकर 2014 तो यानी कि आपका कहना है कि पंजाब में बीजेपी ने ईवीएम से आम आदमी पार्टी को जिता दिया। आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ना अरविंद केजरीवाल जी, आपको सॉरी बोलना चाहिए। देखिए आप बीच में ना बोले, कैसे बेतुकी बात करते हैं योगेश जी। मतलब बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए ईवीएम हैक करके बैठेगी, आप ये बात कर रहे हैं योगेश जी? योगेश जी ना आज भ्रष्टाचार की बात, योगेश जी जितना सवाल पूछा है उतना जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत बोलिए, सीधा मुद्दे पर आइए। ये बताइए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव इसलिए जीता है क्योंकि ईवीएम बीजेपी ने हैक की है, टीम के बारे में बात करते हैं। योगेश जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बी टीम इसलिए कहा गया है कि 2014 में जो लोकपाल के माध्यम से देश के हालात बदलने वाले लोग थे वो सब एक हो गए, ना देश के हालात बदले। योगेश जी कैसी बात करते हैं, देखिए ये सवालों का जवाब नहीं है, अब आपके पास इस सवाल का जवाब देने नहीं बन रहा। चलिए आपका धन्यवाद योगेश जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दिव्या जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए चर्चा यहाँ पर इसलिए थी कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में ये संकल्प लिया है कि अगर वो आगे चुनावों में जीतती है तो वो ईवीएम को बैन कर देगी और इसके साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मुद्दा कहां तक जाता है। फिलहाल इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है। इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।